वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच शेयर। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 20,000, इक्विटी शेयर 10 ईच 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख जिसमें जनरल रिजर्व है, वॉकमैन प्रोविडेंट फंड 3 लाख, ये आपका आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1,70,000, करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल है 6 लाख, देयर आफ्टर गुडविल बैलेंस शीट में दिया है 2 लाख, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 3 लाख है जबकि मार्केट प्राइस है 2,50,000, इन्वेस्टमेंट को हमेशा मार्केट प्राइस में लिया जाता है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, बैंक बैलेंस 70,000। गुडविल शैल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 और 35,000। तो जब भी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल हो और बाहर में बोला जाए कि गुडविल का आपका परचेज ईयर पे निकालना है, तो हम लोग फिर गुडविल का जो एडजस्टेड वैल्यू है उसके ऊपर वैल्यूएशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले हम लोगों को निकालना है टोटल प्रॉफिट 1,25,000, 5 साल का प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर 5, मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट 25,000। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, 25,000 इंटू 3, 75,000, ये निकल गया गुडविल का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो गुडविल न्यू वैल्यू 75,000, इन्वेस्टमेंट मार्केट प्राइस को लेना है 2,50,000, देयर आफ्टर इन्वेंट्री 5 लाख बुक वैल्यू में लिया गया, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख बुक वैल्यू में लिया गया जो यहाँ दिया हुआ है, और बैंक बैलेंस 70,000। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स हुआ 12,95,000। उसमें से लेस करेंगे वॉकमैन प्रोविडेंट फंड 3 लाख, ट्रेड पेबल 6 लाख, टोटल 9 लाख। तो 12,95,000 में से 9 लाख को माइनस किए 3,95,000 आया नेट एसेट्स। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए नेट एसेट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नेट एसेट्स हुआ 3,95,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेयर इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ शेयर है 20,000 इक्विटी शेयर, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 3,95,000 जो नेट एसेट्स है उसमें नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, मेरा आ गया 19 रुपीज 75 पैसे वैल्यू ऑफ पर शेयर। थैंक यू।